없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번. Assalamu alaikum guys. Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो बेस्ड है एक छोटी सी ट्रिप. ये मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ. अच्छा. जो कि हमारे लैब की है और हमारे प्रोफेसर वगैरह भी हमारे साथ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी. ये हमारा अर्जेंट बेस्ड ट्रिप था जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है और क्या नहीं. लेकिन आउट ऑफ सिटी था और बहुत ही ज्यादा मजा आया. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो लगा मेरा मजाक. तो हम लोग लैब से बैठे थे अपने प्रोफेसर के साथ ही और ये हम लोग जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ. कौन है? टूर क्योंकि लैब की तरफ से था तो इस वजह से मैं थी, मेरे साथ मेरा लैब फेलो था, सुपरवाइजर थी और उनके साथ उनके असिस्टेंट भी थे, हम लोग सारे थे. वाह क्या सीन है. तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो खुशी थी इस टूर की क्योंकि मेरा इसमें कोई एक रुपया भी नहीं लग रहा था. तो ये जो हम लोगों का सफर था, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना. ये तकरीबन 5 से 6 घंटे की लॉन्ग जर्नी थी. फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे. वहाँ पे सबसे पहले हम लोग फील्ड में गए थे, वहाँ पर कुछ ये रिसर्च वर्क जो थी ना वो वाइंड अप हो रही थी. तो क्या नाचोगे? ठीक है. और ये कुछ वहाँ के सीन्स थे. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और फिर हम लोग चले गए रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में. तो ये रूम टूर है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो कार्ड पे हम लोगों ने ये डोर ओपन किया. ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था. ये डोर था, यहाँ से जैसे इंटर होते थे तो साथ में ही जो है ना वो आपके राइट साइड पे वॉशरूम था. वॉशरूम एज यूजुअल जैसे होता है, सिंक और बाथ वगैरह. अच्छा, हमको सिखा रहा है. उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते तो ये मिरर था. ठीक है, ये मैं पेंट पेस्ट. तो ये थी मेरी आउटफिट, आई यू कैन से वाओ ब्यूटीफुल. मेरा फैशन. थोड़ा सा आगे जाते थे तो ये 2 फुल साइज बेड थे. ठीक है, और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि ये पूरे का पूरा रूम जो था वो मेरा अकेले का था, यानी कि मैं भी अमीर बंदी बनी हुई थी. तो इसमें ये जो इस नीचे जो है वो चप्पल पड़ी हुई थी 2, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी एक भी चप्पल चोरी नहीं करके लेके आ सकी क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था. जनता माफ नहीं करेगी. तो इस वजह से मुझे बहुत ही सारा दुख हो रहा था इस टाइम. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. और फिर ये साइड पे जो वो LCD लगी हुई थी, लेकिन LCD में हम लोगों ने एक रात में क्या ही देख लेना था, और वहाँ पे सारा कुछ तो सेटअप चाइनीज में होता. तो इस वजह से मैंने तो इसको हाथ में नहीं लगाया था. बाकी ये साथ में जो है AC भी लगा हुआ था और ये बालकनी थी. लेट मी शो यू बालकनी. तो वो अंधेरा हो चुका था, इस वजह से बाहर आग लोगों को सिर्फ थोड़ी थोड़ी लाइट्स नज़र आ रही होंगी बस. उसके बाद मैंने शॉवर लिया और रेस्ट. The next day. फिर अगली मॉर्निंग हम लोगों का थोड़ा मीटिंग वगैरह थी कुछ प्रोफेसर्स के साथ. उसके बाद जो ये लंच टाइम था, लंच टाइम में ये सारे प्रोफेसर्स वगैरह बैठे हुए थे खाने की टेबल पे. A few moments later.
लंच करने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल आए, तो जहाँ पे रिसर्च फील्ड थी वहाँ पे गाँव की तरह का एरिया था, जिस तरह के पाकिस्तान में खेत होते हैं बिल्कुल सेम वैसे की वहाँ पे फीलिंग्स आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बंदा किसी गाँव में फिर रहे, लेकिन ये है कि इनके जो गाँव है वो थोड़े डिवेलप्ड हैं और हम लोगों के गाँव जो है बिल्कुल ही गाँव है। यहाँ फिर मुझे अपना गाँव याद आ रहा, मुझे अपने घर जाना है। यहाँ फिर मुझे वो अपना गाना जो था वो अपने आप पे फिट होता नजर आ रहा था। सोना पे आप परदेश कटेंदा। कई गांवों से और शहरों से गुजरते हुए फिर वापस हम पहुंच गए जहाँ से हम चले थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हेलो, और ये मेरे हाथ में पकड़ा पराठे पकड़े हुए। ओके, और आज हम लोग अपने प्रोफेसर को टेस्ट करवाने जा रहे हैं लच्छे वाले पराठे। तो ये मैंने हम लोगों ने बनाए बड़ी मेहनत से सुबह सुबह उठ के, और ये इस वाली जो बोतल है ना इसमें हम लोगों ने चाय जो है ना वो बना के रखी हुई। हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना अपने प्रोफेसर को आज पाकिस्तानी चाय और लच्छे वाले पराठे टेस्ट करवाए जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ये हम लोग बस स्टेशन पे बैठे हुए बस का इंतजार फरमा रहे थे, फिर हम लोग पहुँच गए अपनी लैब में। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे सब बंदे जितने भी हमारे थे साथ में उनके लिए हम लोगों ने चाय और पराठे उनको टेस्ट करवाए, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ज़ाहिर बात है पसंद तो आने थे, फेक का माल जो था भाई। ये बिल्कुल एक अनप्लैंड जनम वीडियो थी। कौन है? लेकिन सारे बहुत ही ज़्यादा खाते हुए ना तारीफ कर रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन हमारे एक प्रोफेसर कह रहे थे कि उन्होंने 20 साल बाद जो है ना ये दोबारा से पराठे और पाकिस्तानी जो चाय है ना वो उन्होंने टेस्ट किए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, वैसे जैसे वो मतलब हमारी तारीफें कर रहे थे और हमें प्राउड फील हो रहा था बीइंग अ पाकिस्तानी। ये मेरा गेटअप था, हम लोगों ने पाकिस्तानी कपड़े ना पहने हुए थे। मैंने खुसा पहना हुआ था, साथ में शलवार कमीज और ऊपर से हिजाब किया हुआ था। यार ये कितनी ऑसम है। दिस माय लुक। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड। होप्स आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।